Hi everyone, how are you all? I hope you all are good. Okay, I am Miss Lata, your maths teacher, and today I am going to tell you something about the lines. Okay, आप लोग को आज मैं कुछ lines के बारे में बताऊंगी. आप लोग को पता है three lines होती हैं. We know there are three lines, that is vertical, straight line, horizontal line. Three lines and parallel lines, okay? But beside this, there are more lines that are curved line, diagonal lines, zigzag lines, weighing lines and dotted lines. Dotted lines मतलब अगर हम लोग dot करते हैं और उस dot को join करते जाते हैं तो वो एक line बन जाती है, okay? So there are seven types of lines which are curved lines, diagonal line, horizontal line, dotted line, zigzag line, wave lines, parallel lines, straight line and vertical line. So these are the lines. Okay, now we move to shapes. There are different types of shape also. Okay, you know the three types of shape, which are they? Circle, triangle, rectangle, square. No? आप लोग को ये चार shapes तो पता है. कौन सी shapes है वो? Circle, triangle, rectangle and square. But beside these there are more three. Which are they? Stars, hexagon and heart. इनको भी हम लोग क्या बोलते हैं? Shapes ही बोलते हैं. Heart को भी हम लोग shape बोलते हैं. Hexagon को भी हम लोग shape ही बोलते हैं. और star भी एक तरफ का शेप ही होता है. ओके, सो देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ शेप्स? 1 2 3 4 5 6 7 टाइप्स ऑफ शेप्स. विच आर दे? सर्कल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, स्टार, हेक्सागन एंड हार्ट. ओके, सो दिस आर द शेप्स. फ्रॉम दिस शेप्स वी कैन मेक अ डिफरेंट पिक्चर्स ऑल्सो. सी, फ्रॉम दिस shapes we can make different types of pictures also, and they have also the properties, sides. We can learn these sides. How can we draw these shapes and their sides? And they have corner also. See, line, this triangle we can draw with the help of line, and they have three sides and three corner. जैसे उनका three sides होता है और three कॉर्नर भी होता है. सर्कल का वन साइड होता है और वन कॉर्नर होता है. उसी तरह स्क्वायर भी हम लोग स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ कर सकते हैं, एंड इट इज ऑल्सो हैव अ फोर साइड्स एंड फोर कॉर्नर. देन रेक्टेंगल विच ऑल्सो कैन वी कैन ड्रॉन विद द हेल्प ऑफ लाइन, एंड इट इज ऑल्सो हैज अ फोर साइड्स एंड फोर कॉर्नर्स. देन काइट, थ्रॉम्बस, दैट वी ऑल्सो ड्रॉ विद द हेल्प ऑफ लाइन्स, एंड इट इज ऑल्सो हैव अ फोर साइड्स एंड फोर कॉर्नर. देन ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम ऑल्सो वी कैन ड्रॉ विद द स्ट्रेट लाइन, एंड इट इज ऑल्सो हैव अ फोर साइड्स एंड फोर कॉर्नर्स. देन इट इज हेक्सागन, हेक्सागन ऑल्सो वी कैन ड्रॉ विद द स्ट्रेट लाइन, बट इट हैज अ सिक्स शेप्स एंड सिक्स कॉर्नर्स. देन ओवल, ओवल इज एन कर्वी, वी कैन मेक इट विद द वन साइड एंड अ वन कॉर्नर. सो इसमें आप लोगों को पता चलता है कि इस शेप्स के कितने साइड्स हैं और कितने कॉर्नर्स हैं, और हम किसके हेल्प से इसको ड्रॉ कर सकते हैं. लाइन के हेल्प से हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं. ओके, तो आपको शेप्स क्लियर हुए, शेप्स कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, उसके साइड्स कितने हैं, साइड्स कॉर्नर्स कितने हैं, ये टेबल से आप इसको क्लियर कर सकते हैं. ओके, फाइन. अभी आप लोग को एक होमवर्क दे रही हूँ मैं. देखो, इसमें दिया है आपको शेप्स है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स, और साइड से उसके मतलब एक तरह का ये पिक्चर्स बनाया है जो शेप से बना है. तो इस शेप में आपको बताना है कि सर्कल कितना है, ट्रायंगल कितना है, स्क्वायर कितना है, उसके स्पेसेस में सर्कल्स कितने हैं और उसके आर्म्स में कितने हैं. तो ये आप लोग का एक वर्कशीट होगा जिसमें आप आपकी बुक में ड्रॉ करोगे और इसमें लिखोगे कि सर्कल्स कितने हैं, ट्रायंगल्स कितने हैं, रेक्टेंगल्स कितने हैं, जिससे आप लोग को पता चल जाएगा कि आप लोग सर्कल्स और ट्रायंगल रेक्टेंगल कैसे
जान सकते हो। ओके, तो आपकी बुक में ये बनाओ ड्राइंग और इसमें आप आइडेंटिफाई करो और कितने सर्कल्स, कितने रेक्टेंगल्स, कितने स्क्वायर्स, कितने काइट्स हैं, ये आप इसमें लिखो और मेरे से ये बुक आके चेक करवाओ। ओके, थैंक यू।